अब आपको डिजिटल करेंसी को क्या मिला है, क्योंकि देश में अब सहकारी सरकारी डिजिटल करेंसी अब इस पर बढ़ावा दिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से आगे बढ़े। आरबीआई 2022-23 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात कि डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी जो अभी दो साल का अगर हम देखते हैं ये पूरा इकोनॉमी को लेकर, तो थोड़ी सी कमर तोड़ देने वाली स्थिति थी, लेकिन उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए, हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए ये कोशिश की गई है। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी ये, क्रिप्टो करेंसी से आय पर लगेगा 30% तक टैक्स। तो ये डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया गया है, क्रिप्टो करेंसी से आय पर 1% TDS लगेगा, यानी कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा, कितना TDS लगेगा, ये भी इस बजट में बताया गया है। साथ ही साथ जो डिजिटल करेंसी है उसको बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो अलग अलग सेक्टर के लिए यहाँ पर बजट आया है, चाहे वो कृषि के लिए हो, चाहे मेडिकल के लिए हो, और डिजिटल करेंसी जो इकोनॉमी के लिए खास है।